वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। देखिए, पिछले कुछ वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस्ट और फाइनेंशियल जो दो अकाउंट्स हैं डिफरेंट, उनको उनके प्रॉफिट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उनको मैच कर रहे हैं हम कंटिन्यू कि भाई कॉस्ट का प्रॉफिट और पीएल का प्रॉफिट सेम नहीं होता, उसके लिए डिफरेंट कॉजेज होते हैं। जिस कॉजेज को हमें समझते हुए कॉस्ट के प्रॉफिट को पीएल के प्रॉफिट के इक्वल करना है या पीएल के प्रॉफिट को इक्वल टू कॉस्ट का प्रॉफिट करना है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का हमेशा यूज करना चाहिए सो दैट कि टॉपिक आपको परमानेंट समझ में आए। देखिए, स्टडी करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हमें कोई क्लास क्लियर करनी है, नहीं, हमें उससे अपना एक कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो हमें नॉलेज होनी चाहिए तो थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में मेमोरेंडम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। देखिए, इससे पहले क्या था, हम टेबल बना रहे थे प्लस माइनस। एक तो हमने लिया था कि भाई जो आइटम प्लस हो रहे थे माइनस हो रहे थे उनमें पहले प्लस फिर माइनस, फिर मैंने प्लस और माइनस के दो अलग अलग कॉलम बनाकर कवर किया। और आज हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हम मेमोरेंडम पढ़ेंगे, मेमोरेंडम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब टिपिकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सेम टू सेम एक ही मेथड है, इसीलिए मैंने आपको ये स्टार्ट कराया है सो दैट कि मेमोरेंडम का नाम सुनके हम कंफ्यूज ना हो। कई बार हम डरने लगते हैं मेमोरेंडम है भाई कोई बड़ा सा कंसेप्ट होगा, कुछ नहीं। तो मेमोरेंडम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक तरह से बिल्कुल एक अकाउंट आपको बनाना है, जैसे डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। अब आपको एक प्रॉफिट या तो कॉस्ट का होगा या पीएल का प्रॉफिट होगा, तो एक प्रॉफिट आप ले लीजिए, जिसका भी प्रॉफिट आपको दिया हुआ हो उसको बाई साइड में ले लीजिए, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट ले लिया। अब जितनी भी चीजों को आप कॉस्ट में प्लस करते थे वो सब आप क्रेडिट साइड में ले लीजिए, और जितनी भी चीजें आप कॉस्ट में से माइनस करते थे वो आप अपोजिट साइड में ले लीजिए। भाई कॉस्ट का प्रॉफिट है, कॉस्ट में ये चीजें प्लस करेंगे और इधर जो चीजें आ रही हैं वो सब चीजें मुझे वहां माइनस करनी होती थी, सेम टू सेम है। भाई जो प्लस की चीजें हैं वो आप क्रेडिट साइड में लिख दीजिए, जो माइनस करनी है उन्हें डेबिट में लिख दीजिए, और नेट आंसर आपका आ जाएगा प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। तो टेक्निकली नहीं, मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं जो मैंने यहां पर सॉल्व किया हुआ है, आपको दो मिनट में समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, क्या कह रहा है न्यूमेरिकल के अंदर। देखिए, इस न्यूमेरिकल में मुझे एक पीएल अकाउंट दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ अ रिकंसिलेशन मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। तो मेमोरेंडम बनाना ही पड़ेगा भाई, मार्क्स जब मिलेंगे जब आप मेमोरेंडम बनाएंगे, वैसे तो आप सिंपल भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे पीएल अकाउंट दिया हुआ है, और पीएल अकाउंट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट, फिर दो इनकम है डिविडेंड रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर ये सारे खर्चे दिए हुए हैं। इसी सिक्वेंस में आगे चलूं तो फिर मेरे पास नेट मतलब नेट प्रॉफिट है, और फिर नेट प्रॉफिट में से कुछ और चार्ज मैंने काटे हैं और काटकर मेरा बैलेंस आ गया है 4936, जबकि क्वेश्चन में लास्ट में मुझे मेंशन कर रखा है कि कॉस्ट का प्रॉफिट कितना है। यानी एक तो ये बहुत इजी होता है क्वेश्चन, वो इसलिए कि भाई कॉस्ट का प्रॉफिट दिया है, पीएल का प्रॉफिट दिया है, तो मैच तो करना है, तो मैच तो हो ही जाएगा कुछ ना प्लस कुछ प्लस माइनस करके, लेकिन अंडरस्टैंड कर लें जिससे कि हमारी कभी मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक चीज पढ़ते हैं तो उसका जो बेनिफिट होता है वो हमें पूरी कॉस्टिंग की बुक में होने वाला है। तो इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 19,636, यानी कि 19,636 रुपए का जो प्रॉफिट है ये आप सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड में लिखने के बाद अब आप देखिए, क्योंकि मुझे केवल पीएल अकाउंट पता है, ठीक है, अब इसके अंदर सर्च कीजिए कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो पीएल में लिखे हुए हैं लेकिन हमारी कॉस्ट में वो आते ही नहीं है। अगर आपने वो कॉस्ट शीट की हमारी फर्स्ट वीडियोस देखी हुई हैं तो उसमें चल जाएगा आपको पता, मैंने आपको बताया हुआ कि किस किस के कौन कौन से जो एक्सपेंसेस हैं जो कॉस्ट में आते ही नहीं है। तो जो खर्चे कॉस्ट में नहीं आते हैं और यहां इन्होंने पीएल में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब वो पीएल में तो आए हैं खर्चे, कॉस्ट में नहीं आए। तो ये प्लस पॉइंट यही है हमारे पास कि एक्सपेंसेस केवल मुझे वो ही मिल सकते हैं जो कॉस्ट में नहीं आएंगे, और तो मिल नहीं सकते, या फिर वो इनकम है जो कॉस्ट में नहीं आएंगे। तो कोई भी एक तरफ से कंसीडर कर लीजिए, सबसे पहले मैं इनकम की साइड से ले लेता हूं। इनकम वो कौन कौन सी हैं जो हमारे पीएल में तो हैं लेकिन कॉस्ट में नहीं होती, कॉस्ट में तो इनकम होती ही नहीं है, तो ये कौन कौन से है? तो एक तो कह रहे हैं डिविडेंड रिसीव्ड, और एक वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपोजिट। डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये दोनों ही इनकम
हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो होती है, लेकिन कॉस्ट में, हमारे पूरे परफॉर्म में कॉस्ट में कहीं भी यूज नहीं होती। यानी कि ये दो चीजें पीएल के प्रॉफिट को तो बढ़ा रही है लेकिन कॉस्ट के प्रॉफिट को नहीं बढ़ा रही। तो कॉस्ट में हम ये क्या करते हैं, प्लस, यानी कि जो भी इनकम हमारी कॉस्ट में नहीं है वो सभी हम कॉस्ट में प्लस कर देंगे। तो कॉस्ट में प्लस करेंगे तो हमें कहां आना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में, कहां आना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। तो बाय इनकम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, तो वो सभी इनकम जो हमारी कॉस्ट अकाउंट में नहीं आती है वो सब मैं इधर लिख लूंगा। तो एक है डिविडेंड रिसीव्ड और एक है इंटरेस्ट रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड 400 और इंटरेस्ट रिसीव्ड 150, यानी क्रेडिट साइड में इसके अलावा कोई आइटम आएगा ही नहीं। ये भी तो आप ध्यान दें, क्योंकि पीएल है मेरे पास, कॉस्टिंग की तो कोई बुक है ही नहीं, कॉस्ट का तो सीधा प्रॉफिट दिया है। केवल आप यही मैच कर सकते हैं कि ये इनकम कॉस्ट में आएंगी या नहीं आएंगी, ये खर्चे कॉस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, केवल इन्हीं दो को मैच करना है मुझे। तो इन दो को मैच करते हुए तो ये दो इनकम क्या हो गई मेरे पास, जो कॉस्ट में नहीं आई मैंने इंक्लूड कर लिया। अब एक्सपेंसिस है मेरे पास, क्या है मेरे पास, केवल एक्सपेंसिस हैं। अब उन्हें सर्च करना है कि ये कॉस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, ये आपको समझना होगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ऑफिस की सैलरी। अरे भाई ऑफिस की सैलरी तो कॉस्ट में आएगी, चाहे वो ऑफिस का खर्चा हो, चाहे वो आपका सेल्स का खर्चा हो, चाहे वो फैक्ट्री का खर्चा हो, खर्चे तो सभी आने हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कॉस्ट में नहीं आते। तो जरा सर्च कर लेते हैं, ऑफिस की सैलरी, ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेल्समैन की सैलरी, सेल्स एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सभी एक्सपेंसेस कॉस्ट में भी आते हैं, यानी कॉस्ट में भी आते हैं, पीएल में भी आते हैं। तो इन एक्सपेंसेस का हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन नेक्स्ट दिया हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो भाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी तो कॉस्टिंग में आता ही नहीं है, कोई कॉस्टिंग पढ़ के आ रहा है कॉस्ट आइटम, तो फिर ये खर्चा यानी कि हमारी कॉस्टिंग में नहीं आया। तो वो सभी खर्चे जो कॉस्ट में नहीं आते, देखिए हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेंसेस कॉस्ट में ज्यादा डालोगे तो प्लस, और एक्सपेंसेस कॉस्ट में नहीं डालोगे या कॉस्ट में कम डालोगे तो माइनस। माइनस की सारी आइटम इधर आ रही हैं। तो क्रेडिट डेबिट साइड में हमें ये पॉइंट्स लिखने हैं सारे, कि जो जो खर्चे, वो सभी खर्चे जो कॉस्ट में नहीं आ रहे केवल उन्हें अकाउंट करना है। तो आइए, तो एक तो हमारे पास क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसके बाद नेक्स्ट है फाइन्स, उसके बाद है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। ये तीनों ही खर्चे कभी भी हमारी कॉस्टिंग में नहीं आते, तो तीनों ही खर्चे हमारे पास यहाँ डेबिट साइड में आएंगे। अभी और कंटिन्यू करूं, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी कॉस्ट में नहीं आता, रिजर्व्स ये भी कॉस्टिंग में नहीं आते, डिविडेंड ये भी कॉस्टिंग में नहीं आते। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी स्टार्टिंग के कुछ खर्चे हैं जो कॉस्ट और पीएल में सेम आते हैं, लेकिन उसके बाद का कोई भी खर्चा हमारी कॉस्ट में नहीं आता। तो मैच कर लीजिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लर्न भी कर लीजिए, अगर नहीं भी किया है पहले आपने तो दोबारा लर्न कर लीजिए, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, फाइन्स, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, इनकम टैक्स, रिजर्व्स एंड डिविडेंड, ये सभी, इनमें से कोई भी खर्चा हमारे कॉस्ट में नहीं आता, इसलिए अब हम इन सभी खर्चों को यहां से माइनस करेंगे और पीएल के प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, उसके बाद फाइन था, फिर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर था, इनकम टैक्स था, रिजर्व था और डिविडेंड था, मिल गए सभी खर्चे। क्रेडिट साइड का टोटल लिया, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने क्रेडिट साइड से की थी, टोटल लिया 20,186 और इसमें से हमने ये सभी खर्चे का टोटल करके माइनस कर दिया और निकल कर आ गया 4,936 बैलेंस। आप इसको ये कह सकते हैं कि भाई बैलेंसिंग फिगर है, क्या है मेरे पास, बैलेंसिंग फिगर, लेकिन यही बैलेंसिंग फिगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आंसर है वो भी यही सेम होना चाहिए। भैया कंपेयर कर रहे हैं आप, दोनों आंसर दोनों पहले दी हुई है, कॉस्ट का प्रॉफिट भी दिया है, पीएल का प्रॉफिट भी दिया है, दिया है नहीं दिया है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट से मैंने स्टार्ट किया और पीएल का प्रॉफिट आ गया। इसका अपोजिट भी कर सकते थे, पीएल का प्रॉफिट यूज करते और कॉस्ट का आ जाता, उसमें अपोजिट करना होता, जो चीज प्लस कर रहा हूं वो माइनस करनी होती, जो माइनस कर रहा हूं वो सब प्लस करना होता। तो कोई बहुत बड़ा टेक्निकल नहीं है, कोई भी एक यूज करो, दूसरे का आंसर अपने आप ही आ जाता है। तो ये आपको वीडियो में ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आया होगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी जो न्यू वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।